सबको जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने लास्ट वाले वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, अच्छा रिस्पांस दिया, बड़े बहुत खूबसूरत खूबसूरत कमेंट्स भेजे। बस ऐसे कमेंट्स भेजते रहो आप, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम भी अच्छा अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग आज श्रीनगर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा है कि ट्रैवल में थोड़ा सा चेंज, एक्चुअली हम अपनी टू व्हीलर पे नहीं जा रहे, स्कूटी पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं एक्चुअली कमर्शियल गाड़ी पे जा रहे हैं। स्कूटी पे इसलिए जा रहे क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे कुछ काम पड़ गया, अभी फोर व्हीलर पे अवॉइड करो, टू व्हीलर पे घुसो। इसी चक्कर में हम ना टू व्हीलर पे राइड करते हैं। अभी एक काम करते हैं, देखो यार वो देखो पीछे देखो कितना खूबसूरत, इससे आगे आगे अलग है, वो आगे अलग है। ये नहीं, अब मुझे बताओ टू व्हीलर पे सही रहता है या फोर व्हीलर पे जाना सही रहता है? अगर फ्री हो तो कमेंट में करके जरूर बताना। हाँ, कमेंट में बताना, कमेंट में जरूर बताना कि टू व्हीलर राइड ठीक रहती है। नहीं है कि फोर व्हीलर भी अच्छा होता है, बट सिचुएशन ऐसे में तो अच्छा नहीं होता यार, ऐसे में अच्छा नहीं होता है, ऐसे में अच्छा नहीं होता है। और ऐसे कमेंट्स किया करो यार, जैसे पुरानी वीडियो में कमेंट्स किए, बहुत अच्छा लगा हमें, बड़ा अच्छा ना, और वैसे बढ़िया बढ़िया वाला फील होता है। और कोई चेंजेस आप चाहते हो कि व्लॉग में ऐसा नहीं ऐसा हूँ, वैसा नहीं ऐसा हूँ, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो चीज को ऐड या माइनस करने की कोशिश करेंगे। बाकी आई होप आपको चिंका का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओ लगाइए, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं आपका। तो फिर गाइस आज दुखी लग रहा है, जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इसको इसको फ्रेम में लेना, फ्रेम में लेना है, इससे आता भी आ रहा है, क्या सीन है। होप सो ये जल्दी क्लियर हो जाए, जर्नी कंटिन्यू कर पाए, जिस मिलते हैं, करो एंजॉय, तब तक के लिए आप भी एंजॉय करो, जो कोई नेक्स्ट अपडेट होगी वी विल लेट यू नो। ओके थैंक यू, भूल गया जा, हमारी आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? हमारा यार बड़ा ज्यादा बुरा हाल है, नहीं कह रुको ना, रोने वाली शक्ल हो गई है, तो करो जी आप लोग एंजॉय। इस टाइम नाशिक टनल क्रॉस किया है और जस्ट उसके बाहर ही है, अभी खाना खा रहे हैं। एक तो ट्रैफिक इतना, मतलब जो स्टार्टिंग में था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, उसके बाद से जो ड्राइवर ने गाड़ी खींची है ना भाई, बुरा हाल, मतलब ऐसे ना वो बोल रहा था, कहता आप जन्नत तो जा ही रहे हो, ऐसे ही पहुंचा देते हैं ये वो वाला हिसाब हो गया। लोग सुबह सुबह करते हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय पीते हैं, हम राजमा चावल, और हम सुबह के 9:15 इस टाइम खाना खा रहे हैं अभी क्योंकि गाड़ी वाले ने कहीं रुकना है नहीं, ये पहुंचेगा 3 कश्मीर, वहां से आगे घर पहुंचे मुझे 4 जाएंगे तो क्या फायदा, 4। लेकिन एक चीज है यार, जम्मू से ना यहाँ पर 10 गुना बोल लो के अच्छा मौसम, धूप में खड़े हैं, इतनी तेज धूप नहीं लग रही, पानी भी कम से कम ठंडा आ रहा है, जो मैं तो सुबह 6 भी माया आग बुगला पानी आ रहा है, जब निकले तो दिख रही गर्म हवा क्या लग रही है, ओह बड़ा बुरा है। रोड सच बोलू मैं ना अपने दोनों को मिस कर, चलो कोई नहीं, अच्छा ही होगा ये वाला सफर भी, अच्छा होगा ना। ठीक है, हम थोड़ा खाना वगैरह खा लेते हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, आप तब तक एंजॉय करो, सी यू। ठंडे इलाके में लगभग हमें यहाँ पे आधा घंटा हो गया, हम जाम में लग गए, थोड़ा व्यू दिखाता हूँ आपको, कितना खूबसूरत व्यू है, ये देखो ये इतना बुरा हाल है। तो आज वाला ब्लॉग जो है वो ट्रैवल ब्लॉग जो होगा वो होगा ट्रैफिक जाम, हाँ वो होगा ट्रैफिक ब्लॉग होगा, ट्रैफिक जाम वाला, हाँ बुरा हाल होने वाला अभी। Thank you.
शायद सुन लो एक बार। ये कैसे हो रहा है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी सबके? अच्छे से हम। और आज का डे सेकंड है, फर्स्ट डे तो हमारा पूरा ट्रैवलिंग में निकल गया। और रात में शादी थी, काफ़ी बिजी रहे, टाइम ही नहीं लगा बाहर निकलने का। इस टाइम हम, आप पता ही है, डल गेट में, बैक साइड शिकारा वगैरह, बहुत बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन आज एक चीज़ का इशू है कि यहाँ पे भी वीकेंड लॉकडाउन है, दो दिन का एज यूजुअल, जैसा जम्मू में रहता है। शॉप्स वगैरह नहीं खुली हुई हैं, थोड़ा सा अजीब सा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बंदा आया होता है कुछ खाए पिए एंजॉय करे। तो देखते हैं आगे कुछ मिलता है, कुछ तो खुला होना चाहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। हो सो हम अगर डल गेट आए हैं तो शिकारा राइड बनती है, यही देख रहे थे, वेट कर रहे थे, तो एक अच्छी डील मिल गई। सो इट्स शिकारा टाइम, हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा आप भी एंजॉय कीजिए। टेक केयर। ओके सो ये हमारी शॉपिंग भी स्टार्ट हो गया। ये वो है, खुला चुका होगा, खुला, सिल्वर थोड़ी है, ये मेटल है ना, मैंने मेटल का कीमत थोड़ा, अगर सिल्वर में है 10,000। ओके तो आपको यहाँ पे, मतलब ऑन द वे में आप राइड कर रहे हो, आपके साथ में शॉपिंग भी हो सकती है। कैसा लगा जी आपको, क्या कहना चाहेंगे? मजा नहीं आया मुझसे पूछ रहे? नहीं 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 पता, दो दिन हो गए हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, आई थिंक नहीं दो दिन, आज ये तीसरा दिन है ना, तीन दिन हो गए कुछ नहीं। भाई की शादी में इतना बिजी रहे कि टाइम मिल ही नहीं पाया कि व्लॉग कर सकते हैं यहाँ से। मगर यार मैं घूमा, हम मनाली गए, हम धर्मशाला, मतलब नॉर्थ की साइड बता रहा हूँ, जहाँ हिमालय, अपनी अपनी स्टेट बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी। मैं तो आप सबको कहूंगा कि आप कश्मीर ट्रेवल करो, और कश्मीर ट्रेवल करो, मतलब थोड़ा टाइम निकाल के ना, मतलब यहाँ पे 8-10 दिन का प्लान करो और कश्मीर में ही ट्रेवल करो, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है यार। आपको हर चीज मिलेगी, आपको ट्रैक पे जाना है, हर चीज, आपको बोर्ड पे घूमना है, आपको मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस हैं यार। ऐसा ऐसा नहीं है कि उतना महंगा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस। आप व्यू देखो ना, इतने प्यारे प्यारे आते हैं, मैं आपको दिखाया भी है काफी अच्छे, आप मतलब वो चीज एक्सपीरियंस करोगे ना जो कहीं नहीं मिलेगी। हमने 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 3 घंटे का शिकारा बुक किया है,
नहीं, हमने 3 घंटे का शिकारा बुक किया है और हमने अपने भाई को सिर्फ 200 रुपए दिए, मतलब 200 रुपए में 3 घंटे शिकारे में। हाँ हाँ, ये काफी शॉप्स वगैरह भी मिल जाएंगी आपको। बाबा छोड़, बाबा छोड़। डल मतलब डल में ही है और सारी फ्लोटिंग है। बहुत प्यारा है यार, बहुत सुकून है, शांति है यार यहाँ पे। करो आप भी एंजॉय, हम भी एंजॉय करते हैं। शिकारा राइड को आपने देख ली, आई होप अच्छी लगी होंगी, काफ़ी अच्छी शॉट्स लगी होंगी आपको, इन्जॉय किया होगा आपने। और अभी हम बेसिकली घाट नंबर 12 के पास में हैं। आज दिन की तरह डल लेक व्यू अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या प्लान करते हैं हम। तो टिल देन इन्जॉय। तो गाइज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ और बड़ा एक फैक्ट दिखाता हूँ आपको। वाहिद ऐसा एक कोई पोस्ट ऑफिस जो आपकी फ्लोटिंग में फ्लोटिंग है और मतलब लेक के ऊपर है, पूरे इंडिया में ऐसा कहीं नहीं है सिवाय हमारे श्रीनगर के। दैट अगर आप गूगल भी करोगे ना फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, आपको श्रीनगर ये अकेला पोस्ट ऑफिस है हमारे इंडिया में जो फ्लोटिंग है। और देख सकते हो लिखा भी है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, ये वाहिद हमारे पूरे इंडिया में है। इट्स क्लोज टू जो आपका नेहरू पार्क है उसी के पास में है ये। कैसे हैं सब? आई थिंक सब अच्छे से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। सो आज डे 3 है एंड हमारा आज का प्लान काफ़ी अच्छा था लेकिन हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। जस्ट बिकॉज मैंने पहले पहले बताया कि संडे सैटरडे को यहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन रहता है जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे अलाउ नहीं करते किसी भी स्पॉट पे, पिकनिक स्पॉट पे।
लाइक अभी आज का हमारा प्लान था कि हम दूधपत्री जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी सेम यही चीज़ हो गई, हमें अलाउ नहीं किया। एंड हम अभी पता नहीं कौन सी जगह पे है, कहाँ पे है, हमें खुद नहीं पता। बट ये जो जहाँ पे अभी हमें ये जगह दूधपत्री से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही है, और मतलब वहाँ से हमें आगे जाने नहीं दिया, जिस वजह से हम यहीं पर इंजॉय कर रहे हैं। लंच वगैरह हमारा हो गया, बहुत अच्छे से हमने किया लंच, मज़ा आया। और हमारे साथ आज कौन कौन आया हम उनसे भी मिलवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे हमें यहाँ पे लेकर आए आमिर साहब हमारे। और आमिर साहब कैसा रहा आपका आज का दिन? हाँ खाना वगैरह तो हो गया हम लोगों का, खाना तो बड़ा सही था। तो कैसा मतलब दिन कैसा रहा, मतलब अभी ऑलमोस्ट 3:30 हुए कुछ, तो उन 3:30 में सुबह 10 बजे से निकले और मुझे लगता है 3 बजे के करीब ही हम सिर्फ गाड़ी से उतरे, तब तक अपन सब गाड़ी में ही थे। इधर से उधर, उधर से इधर, जितना टाइम हमने गाड़ी में दिया से जा रहे, तीसरी जगह रोक रहे, चौथी जगह के बीच में से जा रहे, तो काफी हेक्टिक रहा। बट ऑल इज वेल व्हेन इट एंड्स वेल। देखो आज का क्या था, हम लगभग जितना हमने ट्रेवल किया ना, जितनी देर हम गाड़ी में थे, आई थिंक मुझे लगता है हमने आधा सफर जम्मू का तय कर लिया होता अगर हम नॉर्मली चल रहे होते, ट्रेवल कर रहे होते। सो लॉकडाउन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर आपका प्लान है श्रीनगर आने का सैटरडे संडे पूरा, बेटर है कि यहाँ पे आओ आप संडे को स्टे करो रात को, देन मंडे से आप घूमना शुरू कर दो और फ्राइडे तक संडे बिल्कुल बाहर एक ठेला भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई मिक्सचर भी नहीं मिलेगा खाने को। हम कल डल गेट गए थे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, इवन कोई ऐसी दुकान भी नहीं खुली थी जहाँ पे आप पानी की बोतल तक ले सको। सो इट्स बेटर कि आप अगर आए हो तो संडे सैटरडे से पहले ही यहाँ पे घूम फिर लो, एंजॉय कर लो, और बाकी हम जो भी करेंगे एंजॉय जैसा भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए। सो गाइस वेलकम बैक। ये एक और जगह है, आज का दिन तो बड़ा ज़्यादा खज्जल हुए हम लिटरली, मतलब इतना ज़्यादा अपसेट दिन रहा ना कि अच्छे से इंजॉय नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से। सोचा एक जगह पे जाते हैं, तो ये एक जगह है, इसको मोबाइल बोलते हैं,
ये अगर आप गांधरबल से क्रॉस करके गांधरबल से लगभग लगा लो 15-20 किलोमीटर दूर होगा, जो चनाब मतलब झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है सिंध, उसी का पानी है ये। और काफ़ी अच्छा व्यू रहता है शाम के टाइम, यहाँ काफ़ी ठंडी हवा चलती है। एक्चुअल में जो इसका मेन एरिया है जहाँ पे लोग जाते हैं बैठने के लिए, हम उस साइड नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो मतलब थोड़ी सी शांति चाहिए थी, थोड़ा अलगपन चाहिए था। हम अलग जगह पे आए हैं, ये थोड़ा दूर है उनसे। मैं आपको एक इसके व्यू दिखा देता हूँ। वो वहाँ पे लगभग टूरिस्ट वगैरह जो ऑलमोस्ट जाते हैं वहाँ से मेन रोड आती है और वहाँ से नीचे की ओर चले जाते हैं। ये वाला जो पुल है यहाँ से आगे क्रॉस होके आपका सोनमर्ग के लिए निकल जाती है रोड। और ये है दो लोंडे लपाटे। सो हम इंजॉय करते हैं, आप भी थोड़ा बहुत जो हम शॉर्ट्स लेंगे वो भी आप इंजॉय करो। ओके फिर बोले सो गए। सही मजा आ रहा है। ओए इधर देख, ओए चमन के चांद। और जी मजा आ रहा नहीं आ रहा है? हां मजा आएगा, तू बता, तू मैं नहीं पाऊंगा बता ना। एकदम पानी तेज आ रहा होगा, पानी से भाग गया जी। यहां पे कंपटीशन लगा हुआ है, ज्यादा देर पानी में कौन पाऊ रखेगा। कोल्ड थेरेपी आफ्टर एन हेक्टिक डे। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा थकान वाला दिन था, बहुत ज्यादा घूमे। उसके बाद कोल्ड थेरेपी लेना एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट वाली है। ना घर नहीं आना, ये बीच में हमने एक कॉम्पिटिशन आएंगे 4-5 दिन के बाद। चलो कुछ काम तो है नहीं करने को, यही कर लेते हैं। हां ये बैग से भी तो क्या बोल रहे हो? ये देयर आई सेड। हां जी, पूरे दिन इतना सर खपाई करने के बाद शाम को जब आप नेचर को एंजॉय करते ना, घर कब आना मतलब? बहुत मजेदार चीज है। हम सुहेल भैया के घर में। इधर समझ आ रहा है? I've been let down by so many.